दोस्तों नमस्कार, मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनमें कई दिन से लोअर सर्किट चल रहा है और बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जो कि कहीं सुनी भी हैं कहीं नहीं भी सुनी हैं। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो अडानी ग्रुप की कंपनियाँ हैं उनको लेकर ज़्यादा टेंशन ना करो, क्योंकि ये कंपनी जो है वो एक माने जाने पहचाने अदानी ग्रुप जो गौतम अदानी है उनकी कंपनियां हैं। तो ये कंपनी इस स्तर तक बढ़ गई थी कि उनको करेक्शन होना उनमें ज़रूरी था। तो ये जो सुधार चल रहा है, करेक्शन चल रहा है, तो उससे घबराएं नहीं, कंपनी अपने दम पर अपनी पहुंच पर फिर भी आएंगी। तो एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि दैनिक जागरण से ली गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर पिछले सत्र से इन्वेस्टर्स की चिंताएं बढ़ा रहे हैं और उनके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि इसको हम घाटे से बेच दें या मुनाफे से बेचें या इसको होल्ड करें, क्या करें। तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के जिनसे पूछा गया, तो उनके क्या जवाब मिले हैं ये सुन लीजिए। CNI रिसर्च लिमिटेड के CMD किशोर ओसवाल ने कहा है कि निवेशकों को फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर हैं उन्हें फिलहाल होल्ड करना चाहिए। 24 तारीख के बाद इसके भाव में थोड़ा सुधार होने की संभावना है। वही जो निवेशक शेयर खरीदना चाहते हैं वो भी 22-23 तक रुकें, इसके बाद ही वह इसमें खरीदने की प्लानिंग करें। निवेशक अपनाएं सतर्क रुख। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर महेशी गुप्ता ने कहा है कि सोमवार को आई रिपोर्ट्स पर अडानी ग्रुप और NSE द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि इसके बावजूद भी ग्रुप की ये कंपनी के शेयर लगातार फिर भी गिर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए, जो कि वॉरेन बफेट का पहला ही सूत्र है। वॉरेन बफेट जी ने पहले कहा है कि जब बाजार में हलचल ज़्यादा हो तो वहाँ पर आप लोगों की हलचल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जब बाजार में हलचल ज़्यादा है तो आपको शांत रहना है, वेट एंड वॉच। और जो इस रणनीति पर काम करता है वेट एंड वॉच की, वह इसमें सक्सेस होता है। ये सीधा सा फंडा है शेयर मार्केट का। तो उन्होंने कहा है कि आपको अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप स्टॉप लॉस लगाकर भी रख सकते हो कि आपको यहाँ तक ही नुकसान लेना है, लेकिन कंपनियों के शेयर कंसोलिडेशन के कारण वह ऊपर नीचे हो रहे हैं। अदानी पावर के एक शेयर का मूल्य शुक्रवार को 148.30 रुपये था, लेकिन गिरते 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 वह 127 रुपये पर आ गया है और फिर 127 से लुढ़ककर वह 120.90 पैसे पर आ गया है। ऐसे ही और भी शेयर हैं, अदानी टोटल गैस है और भी आप देख रहे हो 1600 से लेके वो कहाँ पे आ गया, लुढ़ककर 1500 आया, फिर उसके बाद 1400, फिर 1300 पे आ गया। अदानी ट्रांसमिशन भी ऐसे ही लुढ़क के नीचे आ रहा है। तो बहुत सारे सभी शेयर हैं जो कि लोअर स्तर पर काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। इसी प्रकार अदानी इंटरप्राइज है, अदानी ग्रीन है, अदानी पोर्ट्स के शेयर भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वो अदानी पोर्ट्स का तो शेयर कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता, ऊपर चला जाता, नीचे चला जाता। तो जानिए मामला क्या था। दरअसल सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा गया था कि NSDL ने ऐसी 3 FPIS के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है जिन्होंने अदानी ग्रुप की कंपनियों में काफ़ी अधिक शेयर ले रखे हैं। इसके बाद इस ग्रुप की कंपनियों के शेयर बिल्कुल धराशायी हो गए और हालांकि शाम तक अदानी ग्रुप ने यह स्पष्टीकरण जारी कर दिया था कि लिखित में यह जानकारी भी दे दी थी कि अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया गया है। इसके बाद समाचार एजेंसी राइटर्स ने NSDL के एक सूत्र के हवाले से एक रिपोर्ट दी कि इस रिपोर्ट में भी यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि अकाउंट्स फ्रीज नहीं हैं। सो प्लीज गाइज, आप लोग टेंशन ना लें, केवल कूल माइंड से वेट एंड वॉच मार्केट को करते रहें।
जो शेयर जितना गिरता है अगर उसमें इंटरनल इशू नहीं है तो वो इतना ही ऊपर जाता है। तो जो शेयर अदानी जी के आज नीचे आ रहे हैं, अगर इसमें इंटरनल इशू नहीं हुआ, कोई आंतरिक कंपनी के अंदर कोई भी बात नहीं हुई, तो जितने नीचे कर रहे हैं मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो उतने ही ऊपर जाएंगे, क्योंकि यही इस मार्केट का नियम है कि जो गिरता है वो उठता है, जो उठता है वो गिरता है। वेट एंड वॉच, वॉच एंड वेट, वेट एंड वॉच, वॉच एंड वेट। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।